ठीक है महाराज जी। आप लोग समझ रहे हैं ना। देखो ये केवल हमारे जो गुरु जी की ये देख ली, और भी गौड़िया बैठे हैं, लेकिन आप जाकर गुरु को पूछो कि विषय पर नहीं बता सकते। लेकिन हमारे श्री बड़े गुरु जी श्रील भक्तिवेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज की ये देन है, जो सिद्धांत को इतने कठोर सिद्धांत को वो सरल से सरल रूप में बताते हैं। इसलिए प्रभु जी ने बहुत गुरु जी की संगत की, बहुत कथा सुनी, इसलिए उन्होंने गुरु जी का समय का सर जो नोट है ना, वो प्रभु जी सब नोट को लेकर के आए। और यही गुरु जी की संपत्ति है, इसलिए गुरु जी जाने के बाद जैसे पिताजी का संपत्ति बच्चे को प्राप्त होता है, उसी तरह हमारी जो असली संपत्ति है गुरु जी ने की जो भक्ति सिद्धांत तत्व को रस को छोड़ कर गए, अगर यह चीज को कोई ग्रहण कर पाए तो समझना फिर तो हम गुरु जी के पक्के चले। इसलिए रामचंद्र प्रभु गुरु जी के पक्के चले और गुरु जी के साथ में बड़ी इनकी मित्रता थी, हाँ गुरु भावना भी और मित्रता भावना, कि इतने गुरु जी को साथ में हील मिल जाते थे, इतने हील मिल जाते थे, कभी भूल जाते थे गुरु ने ये हमारे दोस्त है। इसलिए गुरु जी के बहुत बहुत अंतिम समय में प्रभु जी बहुत बहुत गुरु जी को मैंने सेवा की। बोले श्री रामचंद्र प्रभु की तमाल वर्णम श्रुहिदावतारम
अपार संसार समुद्र सेतु भजा महि भागवतम स्वरूपम जन प्रभजंत मनुपेतम अपेत कृतम द्वैपायन विरह कातर आजुभाव पुत्रेति तन्मय तयातर गोविनेदु स्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तुस्मि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सब हाथ फिर बोलो बोलो हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नित्रिला भ्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित श्रील तीर्थ महाराज रामचंद्र प्रभु शांत महाराज अन्य अन्य वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे कृष्ण कैसे मथुरा में कंस के कारागार में अजन्मा होते हुए भी जन्म लेता हूँ। बोले क्यों भी? तब हमारे गुरु जी उसको पीछे बहुत बहुत रहस्य बताए। हम कोशिश करेंगे इसकी 10 कारण सुनने के लिए। आज तक मैं आपको सुनाऊंगा, कल आपसे मैं सुनूंगा, देखूंगा कौन इसको याद करके बोल पाता है। ठीक है, उसका कुछ साधारण कारण है और उसमें कुछ विशेष कारण है। बोले साधारण कारण क्या है? बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। बोले हे अर्जुन, जब जब इसी जगत में अधर्म बढ़ने लग जाए और धर्म की हानि होने लगे, पृथ्वी गो ब्राह्मण साधुओं के ऊपर में अत्याचार होने लगता है, तब तक मैं इसी जगत में अवतीर्ण होकर के दुष्टों को संहार करता हूँ और भक्तों को मैं पालन करता हूँ। ये एक कारण है। बोले दूसरा कारण क्या है? बोले अनुग्रहाय भक्तानां करमी विविध क्रिया। बोले भक्तों को ऊपर में मैं कृपा करना चाहता हूँ। जैसे कल कृष्ण जन्म हुए तभी तो हम लोग यहाँ पर कल धूमधाम से नंद के आनंद भयो जय कन्हैया तभी तो मना है, तभी तो आज पूरा का पूरा कृष्ण कृष्ण ही कथा सुनेंगे। अगर कृष्ण जन्म नहीं होते फिर हम कथा कहाँ सुनेंगे? इसलिए भक्तों को ऊपर में प्रभु कृपा करना चाहते हैं, दूसरी कारण। तीसरा कारण है, अभी प्रभु जी बता रहे थे, प्रभु जी बड़े रहस्य बात बता रहे थे, लेकिन आप लोग कितना दूर तक समझे मेरे को पता नहीं। कहते ये प्रश्नी और सुतबा ये दोनों ने बड़ी कठोर तपस्या की, वात्सल रस का आस्वादन की। कहते ये तीसरी कारण है। चौथा कारण है, बोले द्रोण और धरा ये दोनों भी कठोर तपस्या की ब्रह्मा जी को। जब ब्रह्मा जी संतुष्ट हुए बोले ब्रह्मा को, बोले जैसे एक बच्चा स्वाभाविक रूप में माँ की पेट से जन्म ले, जैसे मैया आपको पलने में झुलाए और उनको ठुमुक ठुमुक करके अंगुल पकड़ करके चलाना सिखाए, जैसे अगर कभी बदमाशी करे जैसे कान मोड़ देती है, ऐसे मैं चाहता हूँ प्रभु आप मेरे बालक बन करके आए। भगवान तथास्तु बोले। फिर वो जो द्रोण और धरा, कहते नंद जसोदा ये भगवान की नित्य परिकर है। कहते ये दोनों में फिर ये दोनों मिल गए, मिल करके जब इन्होंने वात्सल रस का आस्वादन की तो स्वाभाविक रूप में वो लोग भी रस का आस्वादन कर लिए। देखो एक तो उपासना किया विष्णु को और एक उपासना किया ब्रह्मा को, लेकिन सबसे बढ़िया फल किसमें मिला है? कहते जिसने उपासना किया भक्तों को। शिक्षा देते हैं भगवत आराधना में तुम्हें जितने लाभ मिलेगा अगर भक्तों की आराधना कराओगे ना, उसमें ज्यादा तुम्हें फल मिलेगा। इसलिए भगवान कहते हैं जो डायरेक्ट मेरी भक्ति करते हैं मैं उनको कोई गारंटी नहीं दे सकता वो मेरे को प्राप्त करेगा, लेकिन अगर मेरे भक्तों का अगर कोई आराधना, सुंदरी डारी है एक सुंदरी बन गई। बोले देखो
आप जैसे सुंदर है ना, मैं भी कम सुंदर ही नहीं, इसलिए मेरे से तुम शादी कर लो। बोले मेरे साथ में तो ऑलरेडी ये सीता है। इतने में लक्ष्मण गया था लकड़ी लेने के लिए, जब लकड़ी लेकर के आया बोले भैया ये कौन है? बोले ये मेरे छोटे भैया है। बोले ये भी तो कम सुंदर नहीं, बड़ी सुलीला है। बोले इससे मैं शादी कर सकती हूँ? बोले तेरी जैसे मनमानी को कौन रोक सकता है, कुछ करके देख लो। लक्ष्मण बोले अभी तो तुम बड़े भैया से कुछ मांग रही थी, ये बताओ तुम रानी बनना चाहते ना नौकरानी? बोले रानी? बोले मैं तो प्रभु का सेवक हूँ, मेरे से शादी करोगे ना जिंदगी भर सेवा करते करते थक जाओगे, कहा रानी बनने की स्वप्न देख, जा प्रभु के पास भी जाओ। फिर प्रभु ने इनकार कर दी। देखा ये सीता जितने गड़बड़ के कारण है, इसलिए किसी को ही नहीं खा जाती हूँ। जब उसने असली रूप में आकर के खाने के लिए गई, भगवान के राम लक्ष्मण को आदेश दिया इसका नाक काट कर दो। बोले भैया शादी नहीं करना तो मत करो, उसका नाक काट के कटवा दिया। कहती है लक्ष्मण गुरु है, गुरु का काम है शिष्य को उपयुक्त बना करके प्रभु की सेवा में लगा। एक स्त्री जितने सुंदरी क्यों नहीं हो उसका नाक कान काट दो। बोले जनकपुरी दर्शन नहीं, दर्शन दे करके सबको आओ। जब राम लक्ष्मण जनकपुरी में प्रवेश किया, क्या सुंदर प्रभु की जोड़ी, एक दोनों धनुष बाण, एक श्याम रंग के एक गौर रंग के, एक पीतांबर और एक नीलांबर, क्या जैसे मानो एक साथ में चंद्र सूर्य जैसे प्रकट हो गए। और जिस धनी में जाए बोले गुरु है। बोले गुरु का काम क्या? बोले शिष्य को जीव को भगवान से मिला है। इतने लक्ष्मण ने कहा प्रभु थोड़ी सी आप ऊपर झांक करके देखोगे, राम बोले लक्ष्मण ये मायापुरी, खबरदार इधर उधर मत देखो, सर को नीचा करके चलो। लेकिन लक्ष्मण बारंबार बोलने पर इतने में प्रभु जी थोड़ी सी ऊपर देखे, देखते ही जितने किशोरियां थी देख करके सबसे बेहोश हो गई। जब उनकी होश आई सबके सब प्रभु राम के पीछे पड़ गए। बोले प्रभु हमसे ब्याह कर लो, शादी करो, नहीं तो शंकर क्यों गोपी बन करके आए, नारद जी क्यों गोपी बन गई, ये गोपी कोई स्त्री नहीं है। गोपी का मतलब क्या है? गो मतलब होता है इंद्रियां और पी मतलब होता है पीना, जो नित्य निरंतर इंद्रियों को द्वारा कृष्ण भक्ति रस को जो पान करती है ये गोपी, ये कोई स्त्री नहीं। ये एक कारण कितना हो गया, आठवां कारण कितना हो गया, आठ कारण हो गया है। कहते इसका नवमा कारण बताए, कल आप लोगों ने देखा भगवान वामन देव अवतरण में बलि महाराज की एक बेटी थी जिसका नाम थी रत्नमाला, भगवान स्वयं बालक बन करके आए। इनकी रूप देख करके उन्होंने किसी को भी छोड़े नहीं, कुबड़ी को भी छोड़े नहीं, राक्षस को भी छोड़े नहीं, ऋषियों को भी छोड़े नहीं। यहाँ शिक्षा देते हैं आप किसी रूप में केवल एक बार से कृष्ण के पास में आ जाओ, कृष्ण ये ऐसे के देवता आप किसी को भी ये नहीं छोड़ेंगे, ठाकुर जी सबको ग्रहण कर लेते हैं। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय, है ना, वही पर जाओ जीवन को बिताओ वही पर। लेकिन उसको पता ही नहीं था रावण जिसको उठा करके ले गया था वो सीता थी नहीं, वो थी नकली सीता। क्योंकि जो सीता है ये जगदम्बा जगत जननी माँ लक्ष्मी है, इसलिए कहते जो अप्राकृत जो वस्तु है वो प्राकृतिक इंद्रिय से उनका दर्शन नहीं कर सकते हैं। रावण उनको उठाया गया, वो दर्शन भी नहीं कर सकता है माँ सीता को क्योंकि वो दिव्य है, लेकिन उसको ये बात बताई नहीं था। इसलिए और जो वृद्ध हो जाए फिर बच्चों के अधीन में माताओं को जीवन बिताने चाहिए, ये शास्त्र नीति शास्त्र में बताया। इसलिए भगवान राम ये मर्यादा को स्थापन करने के लिए भगवान राम ने क्या किया, चिरकाल के लिए माता सीता को उन्होंने त्याग दे दिया। माता सीता को अभी हर साल तब वशिष्ठ जी को बोले, वशिष्ठ बोले राम एक काम करो, तेरे पिता भी तो तीन तीन शादी की है ना, तो और एक शादी कर ले। बोले नहीं, राम इसी जीवन में सीता के सिवाय और किसी को ये ग्रहण नहीं कर सकते हैं। बोले और एक उपाय बताओ क्या करनी चाहिए। बोले तुम एक काम कर, दरवाजा में प्रवेश करना चाह रहे थे वहीं पर जय विजय थे,
वहीं पर उन्होंने छड़ी लेकर के रोक दी। बोले कहाँ जा रहे हो बिना पूछे, पता नहीं अंदर में प्रभु क्या कर रहे नहीं कर रहे। इतने में चतुर संत को बड़ा क्रोध आया, बोले ये वैकुंठ है जहां पर काम क्रोध लोभ है, जहां पर ईर्ष्या द्वेष जहां पर है ही नहीं। और हम जैसे ब्रह्म ज्ञानियों के लिए प्रश्न करने का जरूरत है, जाओ तुम दोनों राक्षस कुल में चले जाओ। अभी तो रोने लगते। इतने में नारायण आ गए, बोले क्या बात, बोले कैसे ऐसे है। बोले देखो अगर मेरे कौन बोले आग बता जगाई और माधाई, ये महाप्रभु को लीला में भी आए और महाप्रभु उनको घर में भी कृपा करके उनको प्रेम प्रदान किया। इसलिए भगवान गुरुदेव इस कारण को बताया करते थे, भगवान अजन्मा होते हुए भी भगवान क्यों जन्म रहे। अभी हम लोग श्रवण करेंगे रामचंद्र प्रभु ने जिस चीज को उन्होंने स्थापन किया है, कृष्ण कैसे ब्रज में श्री उपास श्री जो परिजन बाबा जब इनकी उम्र 50 साल हो गया, बोले और घर में हमें नहीं रहनी चाहिए। इसलिए मैं कल बता रहा था ना 50 के बाद में क्या अंक आता है, कौन सा अंक आता है, एकावन बावन। मतलब भागवत कहता है 50 ऊर्ध्वे वनम व्रज, बोले 50 साल के बाद में घर में रहने के लिए मना किया शास्त्र। इसलिए चार आश्रम में तुम क्या करोगे, बोले प्रभु मैं समझ गया हूँ ये जगत में कोई किसी का नहीं है, जिनके लिए मैंने इतने कष्ट करके अर्थोपार्जन करके उनको मैंने भरण पोषण किया था, सब कहाँ है, वो मेरी बीवी कहाँ, वो मेरे पति कहाँ, वो मेरे बच्चे कहाँ है, सबके सब कर्म का फल केवल मुझे अकेला ही यहाँ लेना पड़ रहा है, वो सब कहाँ है। इसलिए उसको पता चलता है ये जगत केवल मतलब का संसार, केवल ये स्वार्थ का संसार। सबसे पहले यहीं से बाल पकना शुरू होता है, मतलब पहला बार कान में वार्निंग दिया भगवान के बोल करके आया था ना, भजन करोगे माला जप करोगे, कितने समय टीवी देख रहे हो और कितना समय माला जप कर रहे हो, कितने गप्पे मारते हो। जब एक बाल पक जाता है ना हम उसको उखाड़ देते हैं, बोले इतने जल्दी हमें बुढ़ा बुढ़ी बना रहे, फिर दूसरा बाल भी पकता है लेकिन उसको भी उखाड़ देते हैं, लेकिन जब खिचड़ी बनी जाए फिर कलर मेहंदी लाकर कलर कर देते हैं, क्या थोड़ी हम बुढ़ा बुढ़िया भी कुछ नहीं है। फिर उसको दूसरे बार भी देते हैं, बोले क्या, बोले आंख में कमजोरी आ जाता है देखने का, फिर बढ़िया चश्मा लगा कर गिरो करके घूमते, बोले हमारा कुछ नहीं हुआ है। भगवान कहते तीसरा बार नहीं की दूंगा, बोले क्या, बोले तुम्हारी एक एक दांत को तोड़ना शुरू करूंगा। हैं? फिर जब सारे दांत टूट जाते हैं ना, फिर डेंटिस्ट के पास में जाकर बढ़िया दांत लगाकर खिलखिला के रसते हैं, बोले अभी हमारा कुछ नहीं हुआ। भगवान कहते फिर तुमको चौथा बार नहीं की दूंगा, बोले क्या दोगे, बोले दो प्यार से तुम्हारी तीन प्यार हो जाएंगे, फिर तुमको डंडा लेना पड़ेगा कमर तोड़ दूंगा अगर तभी भी भजन नहीं करे ना, बोले फिर फिफ्थ बार की नहीं, बोले राम नाम सत्य है। हाँ देखो अगर गुरु जी कहते थे, देखना जब एक व्यक्ति शरीर छोड़ता है ना उसको अर्थी में ले जाते और लेते समय उसका जो सर को एक तकिया के ऊपर रख लेते हैं और पूरा हाथ पैर को बांध देते और बोलते बोलते ले जाते राम नाम तो तू ले, लेकिन उसी समय भी नहीं लेता है, फिर क्या करते हैं उसको मुंह में भूखा की देते हैं। हमारे गुरु जी कहते थे जानते हो बेटा उसका मुंह में आग क्यों देता है, इसलिए देता है, बोले भगवान तुमको ये जो इंसान का जीवन दिया था ये 84 लाख जन्म के बाद में दिया था, लेकिन जिस जीवा में तुम भगवान के नाम करते हुए तुम भगवान को पास में जा सकते हो, लेकिन इसी जीवा में तुमको भक्ति करेगी। इसलिए 50 साल के बाद में, इसलिए कहते भैया इसलिए 50 बाद एका बन वाह, मतलब और घर में नहीं कहा जाओ, बोले वृंदावन जाओ, वृंदावन जाकर के भगवान की भक्ति करो भगवान की भजन करो। देखो अगर हम वृंदावन नहीं जा पाए हमारी ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन कम से कम अपना घर में तो वृंदावन बनाओ, अरे कम से कम अपना घर में तो भगवान के नाम जप करो, गीता रामायण कम से कम अपना घर में तो पढ़ो, हैं कब से पढ़। इसलिए श्री परिजन बाबा की जो 50 साल हो गए उनने 5 बच्चों को उन्होंने बुलाए, 5 बच्चों को बुला करके बोले देखो मेरे 50 साल हो गया है,
हम पति पत्नी हम वृंदावन में भजन करना चाहते हैं। इसलिए सबसे जो बड़ा बेटा उपानंद हम उसको राज सिंहासन में अभिषेक करना चाहते हैं। लेकिन उपानंद ने कहा, पिताजी यद्यपि मैं बड़ा बेटा हूँ लेकिन राजा बनने का योग्य मेरे में नहीं, ये राजा बनने का योग्य श्री नंद जी का, आप नंद जी को राज्याभिषेक करा दो। उन्होंने नंद जी को राजा भक्ति की उपदेश को देख करके, यही लोग यहाँ पे रखा करते हैं बोल करके उन्होंने पति पत्नी चले गए। लेकिन अभी चार भाइयों का संतान है लेकिन श्री नंद जी का घर में कोई संतान नहीं, इसलिए नंद बाबा बड़े दुखी। भविष्य में ये राज सिंहासन को कौन संभालेगा? अभी धीरे 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 भैया जसोदा की उम्र बीतते जा रही है, बच्चे जन्म देने का, एक समय ब्रज में कुछ साधु लोग आए और श्री नंद बाबा को बोले, देखो नंद बाबा जो ना करे लकड़ी और सो करे फकीरी। लकड़ी मतलब होता है भाग्य, तुम्हारी भाग्य में जो नहीं, फकीरी मतलब होता है साधु होता है। स्वप्न किया देखे बोले श्याम चंचल चारु दीर्घ नयन बाल स्तवांग स्थले दुग्ध धार स्फुट मसौ क्रीडांग मयामलोक्यते। ये स्वप्न देखे, अभी दोनों का नींद खुल गई। नंद बाबा बोले जसोदे जसोदे मैंने बड़ा एक सुंदर स्वप्न देखा। ब्रह्म मुहूर्त बोले क्या देखा? आप पहले आपकी स्वप्न की बात बताओ फिर मैं अपना स्वप्न की बात बताऊं। बोले मैंने देखा तेरे गोद में एक सुंदर श्याम रंग का एक बालक तुम्हारे स्तन पान कर रहे थे, करते समय उनको दोनों धार से दूध बहते हुए उनका कुर्ता भीग रहा था। मेरे को स्वप्न नहीं लगा तेरे सचमुच से गोद में एक बालक है। जसोदा बोले मेरी स्वप्न सुन लो, मैंने भी यही स्वप्न देखा, एक सुंदर बालक मेरे पीछे पीछे माँ माँ करते करते आ रहा है और कपड़ा खींचते हुए बोले भैया मेरे को गोद में ले ले, मेरे को तो दूध पिला दे। वो मचल रहा था। सचमुच से उसी रात को ही मैया जसोदा गर्भधारण करती है, पूरा ब्रज में हल्ला हो गया, मैया जसोदा संतान जन्म देने वाले। और जितने ब्रज की गोपियां थी ना वो छह महीना पहले चौरासी गज के लहंगा चुनन सुंदरी बना करके रखे, में तो खीर खाने की इच्छा हो रही। तो उन्होंने बड़े सुंदर काजू पिस्ता डाल करके घी डाल करके बड़े सुंदर खीर बनवाए, ठाकुर जी को भोग लगा करके मैया जसोदा को खिलाए। ऐसे लग रहा था मानो आज रात को ही बालक का जन्म हो जाएगा। गांव में 8 बजे तक सबके सब जगे रहते थे, उसके बाद में सो जाते थे। बोले एक काम करो 2 घंटा
जगत में जब साधारण बोले कृष्ण अवतार में यही पृथ्वी वो सत्तर उमा बन करके आएगी, मेरे को भी अपना पटरानी बनाएगी, इसलिए वृंदावन बड़ा प्रसन्न है। कहते यमुना जो पटरानी वो तो एकदम यमुनत्री से कलकल नाद करते हुए भगवान की जय जयकार करते हुए प्रकट रही है। बोले क्यों? बोले जब वृंदावन में यमुना भगवान की सखी है, वही यमुना जो मथुरा में भगवान की पटरानी बनेगी, भगवान यमुना में जल विहार करेगी, इसलिए यमुना बड़ी प्रसन्न होकर के कलकल नाद करते हुए यमुना तट से प्रकट हो आ रही है और भगवान की जयकार दे रही थी। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, जोर से जयकार लगा। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। जो अप्सरा का फूल, बेली, चमेली, जूई सबके सब एक साथ में सारे फूल खिल गए, क्यों? ठाकुर जी आने वाले हैं। और उसी समय में कहते जब यमुना प्रसन्न हो रही थी, कहते और दूसरे दूसरे नदियां भी प्रसन्न हो रही थी। बोले क्यों? बोले जो यमुना ये सबसे बड़ी बहन है और जितने और नदी उनकी छोटी बहन है, और यमुना के साथ में कृष्ण की शादी होएगा, जब शादी होएगा दूसरे नदियां क्या बन जाएगी? साली। इसलिए आप देखना कभी कभी दामाद पत्नी से ज्यादा सालियों को प्रेरित करते हैं, इसलिए कहते कृष्ण हमें भी कृष्ण प्रेम करे, इसलिए सब नदियां प्रसन्न हो रही थी। कृष्ण जब आए वो दिन था अष्टमी, अष्टमी का चंद्रमा होता है आधा, लेकिन आज भगवान चंद्र वंश में आ रहे हैं, आज चंद्रमा पूर्ण चंद्र रूप में प्रकट हो गए। जब प्रकट हुए, जब भगवान आए उसी समय में रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही थी, बादल नीचे और ऊपर में चंद्रमा। अभी चंद्रमा और मेघ में तो लड़ाई शुरू हो गई। चंद्रमा बोले ए मेघ मेरे सामने हट जा। मेघ कहता है भैया मैं क्यों हटूं? बोले तेरे को पता नहीं आज मेरे वंश में ठाकुर जी आ रहे हैं। बोले तेरे को पता नहीं ठाकुर जी मेरे रंग को लेकर के आ रहे हैं, मेरे कलर को लेकर के आ रहे हैं। देवता लोग बोले भैया अभी लड़ाई का समय नहीं, तुम भी थोड़ा हट जा। चंद्रमा को आनंद देने थे और तुम भी आनंद लो। लेकिन जब भगवान राम आए थे, आप लोग बताओ तो भगवान राम कौन सा वंश में आए थे? कौन सा वंश में? सूर्य वंश में। जब भगवान राम आए, गोस्वामी जी वर्णना करते हैं, एक महीना तक राम लाला के उत्सव चला, सारा दुनिया राम की जन्म उत्सव में नाच रहे थे, गा रहे थे। लेकिन केवल एक, जब मैं अगली बार आऊंगा तेरे वंश में आ जाऊंगा। भगवान बोले प्रभु पता नहीं कब आप आओगे, इसी अवतार में तो मैं वंचित हो गया। बोले कोई चिंता मत करो, मेरा नाम तो होगा राम, लेकिन सब दुनिया मेरे को रामचंद्र रामचंद्र बोलेगी, तेरे नाम को मेरे साथ में जोड़ दूंगा। खुश? बोले प्रभु मैं खुश हूँ। लेकिन अभी प्रभु आए चंद्र वंश में, प्रभु आ रहे हैं, इसलिए चंद्रमा बड़े प्रसन्न है चंद्रमा। और श्री हमारे टीकाकार कहते हैं, कहते आकाश में जब काला मेघ छा जाए ना, विशेष करके चार व्यक्ति प्रसन्न होते हैं। बोले कौन खुश होता है? पहला नंबर किसान। बोले ये मेघ स्वरूप कौन? बोले कृष्ण। बोले किसान कौन? बोले ब्रह्मा। ब्रह्मा ने ये दुनिया को उन्होंने सृष्टि की, सब जीव जगत को सृष्टि की, लेकिन दैत्य लोग आकर के इतने उत्पीड़न इतने टहलका मचा दिए थे। ब्रह्मा जी सोच रहे थे मैंने जो सृष्टि की ये सृष्टि नष्ट नहीं हो जाए, लेकिन जब ब्रह्मा जी देखे आकाश में कृष्ण काला रूप मेघ छा गए, ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हो गए। क्यों? भगवान क्या करते हैं? बोले परित्राणाय साधु नंदगांव गए हो। ये नंदगांव नहीं, ये नंदीश्वर महादेव है। ऊपर में देखना वो शंकर जी, शंकर जी स्वयं पर्वत रूप में आए प्रभु की सेवा करने के लिए। इसलिए जब शंकर जी ने देखा प्रभु जन्म लेने वाले, शंकर भी बड़े प्रसन्न हो रहे थे। बोले तीसरा व्यक्ति संतुष्ट होता है। बोले कौन? बोले चातक। ये एक चिड़िया है, वो किसी नदी का पानी नहीं पीता है, किसी तालाब का पानी नहीं पीता है, वो कब पानी पीता है? जब बारिश हो, स्वाति नक्षत्र का पानी पीता है। इसलिए कहते ये कौन है? बोले नारद आदि भक्त वृंद है। केवल जो प्रभु की लीला में डूब जाते हैं, प्रभु की लीला दर्शन करने के लिए तरस रहे हैं, इसलिए नारद आदि भक्त वृंद प्रसन्न होते हैं। बोले चौथे व्यक्ति प्रसन्न होते हैं। बोले कौन? बोले जब जंगल में आग लग जाए, वो हाथी को बड़ा कष्ट होता है,
वो इधर उधर भागने लगता है, लेकिन वहां कोई फायर ब्रिगेड काम नहीं करता है। लेकिन जब मूसलाधारा से बारिश ही होना तभी वो जंगल का आग बुझती है। यदि यहाँ पर दाबानल में दग्ध हाथी कौन बल्कि इंद्र चंद्र देवता आदि बड़े दुखी हो रहे थे, तब भगवान आकर के हमारे दुख को हरण करे। लेकिन जब देखा भगवान कृष्ण आने वाले, काला मेघ छा गया, कृष्ण रूपी मेघ छा गया, सारे देवता लोग भगवान की जय जयकार कर रहे थे। बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की जय, जय श्री राधे। इसलिए सारा दुनिया जय जयकार कर रहे थे। और इतने में जो खाया सबको सुला दी, लेकिन पता ही नहीं चला कब श्री वसुदेव महाराज मथुरा से कृष्ण को लाए। लेकिन यहाँ पर कितने बच्चे जन्म हुए? दो। पहले तो कृष्ण जन्म हुए, उसके बाद में जोग माया, इन्होंने दो संतान जन्म हुई। और वसुदेव महाराज जब मथुरा से कृष्ण को लाए वो अंश कृष्ण है। और गोकुल में जो कृष्ण ने जब दरवाजा खोल करके देखे, मैया जसोदा की गोद में बड़ा सुंदर श्याम सलोना सा एक बालक नीलमणि जैसे वो किनकार मारते हुए खेल रहा है। बोले भैया कब बच्चा का जन्म हो गया किसको पता ही नहीं चला, सब तो सोए बड़े हुए। बोले सबसे पहले श्री नंद राजा को अपने निमन पहले खबर देंगी, फिर मेरे को नवला की हार मिलेगी। बोले नंद बाबा हे कहाँ ढूंढो, ढूंढते ढूंढते जब ब्रह्मांड घाट में पहुंचे, देखा बड़े बूढ़ों को बीच में बैठ करके माला जप कर रहे थे। लेकिन माला जप नहीं हो पा रहा था, सोच रहे थे घर में छोरा कब है, वो लाला कब है, वो छोरा कब है, वो यही सोच रहे थे। इतने में सुनंदा ने जा करके बोल दिया, बोले भैया कमाल मिल गया भाई। इतना बोलते ही नंद बाबा तो छलांग लगा दी। बोले बहन कहा भय हो गई, बोले पहले बताओ मेरे को मिलेगा क्या। बोले ये नवला की हार तू ले ले। बोले भैया बात इतने बड़े जिसको सामने तुम्हारी तेजरी का चाबी का आदमी कुछ नहीं। बोले बात इतने बड़ी। बोले हाँ। बोले बता और क्या दोगे। बोले आज से मैं तेरा ही हो गया, बता तो सही घर में कहा भय हो गई। बोले भैया तेरे घर में लाला भयो है। बोले श्री नंद के लाला की। बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की। नंद बाबा तो वहीं से ही दौड़ लगा। ब्रजवासी बोले नंद बाबा जीवन में पहला बार लाला का मुख दर्शन करोगे, अरे कम से कम सद्धा जगह के थोड़ी सद्धा। इसलिए उन्होंने उनको बड़े सुंदर उन्होंने बगल बंदी धोती पगड़ी बना करके गले में माला पहना कर बोले जाओ अभी तुम लाला का दर्शन करोगे। तो नंद बाबा ने कितने उन्होंने तपस्या, कितने बार व्रत उन्होंने किया था घर में एक लाला हो जाए। जानते हो कौन सा व्रत करके नंद बाबा को लाला मिला? आपको पता है एकादशी व्रत करके। ये एकादशी व्रत करके ही उनको लाला मिला है। इसलिए ये एकादशी व्रत की इतने महिमा है, उसमें 24 उसमें व्रत आती है, हर महीना में दो आती है। उसमें एक व्रत का नाम पुत्र था, मतलब जो एकादशी व्रत पुत्र को प्रदान करती है। इसलिए एकादशी व्रत से ही उनको कृष्ण कन्हैया लाला मिले। इसलिए एकादशी व्रत की बड़ी महिमा है एकादशी व्रत की। अभी उन्होंने पहला बार जब लाला का मुख दर्शन की, उन्होंने संकल्प कर लिया ब्राह्मण संतों को मैं 20 लाख गैया में दान दूंगा और 7 तिल का पर्वत बना करके इनको मैं दान दूंगा। देखो अभी रामचंद्रपुर बोल रहे थे ना, अभी हमारे जो बड़े गुरु जी थे वो कह रहे थे कोई को गोकुल में रख करके आना। इतना बोल कर वो छठ बच्चा बन गए, वो जन्म नहीं हुए वहां पर प्रकट हुए। लेकिन गोकुल में जैसे माँ की पेट से एक बच्चा जन्म लेता है कृष्ण जन्म हुए, और बड़े बड़ी गोपियां क्या करती है उसका नाड़ी काटती है। इसलिए उन लोगों ने नाड़ी छेदन की। और एक बात बताए, नाड़ी कटने से पहले जो दान दी जाती है वो दान को सर्वश्रेष्ठ दान बताया। अभी नाड़ी कटने से पहले नंद बाबा ने 20 लाख गैया देने का संकल्प ग्रहण कर लिया, ब्राह्मण को 20 लाख गैया दूंगा। उसको बाद में जाकर उनको नाड़ी छेदन हुई। इसलिए गुरुदेव कहते थे कोई भी ब्रजवासी ये बात को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे,
कृष्ण मथुरा में प्रकट हो गया। बोले क्यों? बोले अरे हम अपना आंखों से देखा है, अपना उसका नाड़ी हम स्वयं अपना हाथ में काटा है। नाड़ी कब काटा था? काटते हैं जब मातृ पेट से जन्म हो ना, इसलिए संत आकर के सबके सब स्वस्ति वाचन करके बच्चे को आशीर्वाद दिए रहते रहते जुग जुग जियो रे जसोदा भैया तेरे ललन। नंद बाबा बोले नाई को बोले जाओ ये 84 क्रोस में ढिंडरा पिटवा दो। नंद के लाला भयो है सबके सब बधाई देने के लिए आए। इतना सुनते ही जो गोपियां थी ना सबके सब 84 84 गजी की जो लहिका बना के रखे थे बड़े सुंदरी चुंदरी और 16 श्रृंगार द्वादश आभरण पहन करके दूध दही और मिश्री घी ले करके 3-4 मटकियों में सर पर रख करके सबके सब गोपियां आ रही थी। आते समय उनको कान में जो कुंडल बड़ी जोर जोर से हिल रहा था। बोले क्यों? वो कुंडल अभी जितना गोपियां आ करके मैया जसोदा को बधाई दे रही थी। देखो जितने जितने माता है ना आप लोग किसके दल के हैं? मैया जसोदा के दल के। मैं बोलूंगा मैया जसोदा बधाई हो, आप लोग जोर से बोलना बधाई हो बधाई हो। ठीक है? बोले मैया जसोदा बधाई हो। आनंद नहीं आया आज एकादशी से व्रत रखे हो? अरे जोर से बोलो। देखो तुम्हारी बात में ना अरे भाइयों का नंबर आएगा, अभी देखेंगे कपट जना होगा कौन कितना जोर से बोलते हैं। हारना नहीं, अगर तुम लोग हार जाओगे ना मैया जसोदा राधा रानी हार जाएगी। और एक बार जोर से बोलो बोले मैया करेगी
सास क्या करेगी, वो बंटवारा होने से पहले ना कुछ उठा करके वो बहू को छुपा करके देगी, पुलिस को तो छुपा कर रखी करेगी कि नहीं, ये करेगी तो छुपा करके देते, क्यों, वो जिंदगी भर उसने सेवा की ना, इसलिए क्या करनी चाहिए, अपना सास को माँ मानो और माताएं अपना बहुओं को अपना बेटी मान, देखना घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर सब बड़े बूढ़े सबके साथ, और कल से क्या तीन चार मटकियों में एक में दही, एक में दूध, एक में मिश्री, एक में घी लेकर के आई थी। एक गोप ने हाथ में लठिया लेकर के मटकी को जोर से मारे, मारते ही मटकी तो फूट गई और जितने दूध दही था ना, और उसने कृतिका भैया सुनाए गए, एक दही का नहीं होता है, दही में उसने घी मिला करके हल्दी मिला करके एक दूसरे को ऊपर में लगा दे, इसको दही का भी कहते हैं, करके एक दूसरे को ऊपर फेंक रहे थे। एक बड़ी बड़ी गोपियां थी जिसकी एक भी दांत नहीं थी, वो तो ऐसे देख रही थी, बोले भैया बड़ी जोर की नंद महोत्सव है रहे हैं। एक गोप ने क्या किया, एक मक्खन की डेला उठाया और उसकी एक दांत नहीं थी, और उसको मुंह को लथिया करके ना मक्खन की डेला उसने ऐसे मारे, मारते ही वो बुढ़िया के मुंह में लगते ही ना वो सीधा अंदर में सटक गए। बोले भैया नगरों के ब्रजवासी दूसरे तरफ पे बरसाना का ब्रजवासी दोनों तरफ पे बेटे को पकड़ रखे थे, ऐसे लग रहा था मानो अभी ये खीर समुद्र मंथन होने जा रहा है। कल जो लवण समुद्र की मंथन की बात सुने, वहां से 14 रत्न निकला था, और सबसे पहले क्या निकला, जहर निकला सबसे पहले, जिसको शंकर जी पान करके उनका नाम विकट हो गया। लेकिन यहाँ गिरते 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 जा रहा था, और अली गलियों में हीरे जवाहरात बिखरा हुआ है, ऐसे लग रहा था मानो कृष्ण गोकुल में जन्म लेने पर माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर के गली गलियों में माँ लक्ष्मी नृत्य कर रही है। वहां पर श्री भोले बाबा भी आए थे, बोले भोले बाबा का वाहन कौन है बताओ, शंकर जी का वाहन कौन है, नंदी जी। लेकिन नंद बाबा ने कितने गैया दान दी, बोले 20 लाख गैया दान दी। जब वो गैया दान दे रहे थे ना, इतने में शंकर तो चक्कर में पड़ गए, बोले क्यों, बोले ये नंदी गैया को दान देते देते मेरे बहन भी नंदी, अगर भूल से अगर ये नंदी को अगर दान दे दिया ना, बोले भैया घर में बैठ कर कैसे जाऊंगा। इसलिए नंदी को पूछ को पकड़ करके शंकर जी खड़े हो गए। वहां पर मैया देवी भी आई थी, माता जी, बोले माता जी की भी दो बेटे हैं, कौन कौन दो बेटे हैं, कुबेर भी वहां से चले गए। लेकिन वहां पर सारा दुनिया का नाच रही थी, लेकिन एक व्यक्ति बड़ी दुखी होकर बैठी हुई थी, आप बता सकते हो कौन, नहीं नाच रही थी बड़ी दुखी होकर बैठी हुई थी, कौन कौन है, हाँ देखो ये पंडित जी कहते माँ रोहिणी दुखी होकर बैठी हुई थी, बोले क्यों, बोले रोहिणी प्रसिद्ध भद्रिका, बोले प्रसिद्ध भद्रिका का मतलब क्या है, बोले जिसका पति दूर देश में हो और दुख में हो, बोले पति कौन, श्री वसुदेव महाराज, कहां पर, बोले मथुरा में, बोले किस स्थिति में, बोले जेल में। अगर किसका पति अगर जेल में पड़ा हुआ हो, उसकी पत्नी सबको सामने कभी नृत्य करेगी, इसलिए वो बेचारी बड़ी दुखी होकर के बैठी हुई थी कोने में। इतने में नंद बाबा देखा, भैया सबके सब बंद करके पड़े हुए, बोले सबसे पहले कृष्ण कन्या को देखू फिर दुनिया को देखूंगा। इतने में उन्होंने दाऊ भैया को ला करके कृष्ण कन्या को पास में लेटा दी। इतने में बलदेव प्रभु इतने में आप खोले और सामने श्री कृष्ण को दर्शन किए, और यद्यपि रोहिणी दुखी तो थी, लेकिन जब देखा कृष्ण ने, दाऊ भैया ने आंख खोल दी ना, फिर तो भैया रोहिणी बड़ी प्रसन्न होकर के, वो भी उसकी आनंद की सीमा नहीं रही, रोहिणी भैया भी ठुमक लगा करके नाचना शुरू कर दी, बोले श्री रोहिणी भैया की। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं रोहिणी च महाभागा, कहते जो माता रोहिणी ये बड़ी भाग्यवती, बोले क्यों, कारण क्या, बोले कारण है कृष्ण तो मथुरा में प्रकट हुए, लेकिन जन्म महोत्सव कहाँ हो रही थी, कहाँ हो रही जन्म महोत्सव, जन्म महोत्सव हो रही है गोकुल में, जन्म महोत्सव हो रहे हैं, लेकिन मथुरा के कोई व्यक्ति जन्म महोत्सव से कोई भी आनंद नहीं ले पाए, कौन आनंद ले रही थी, केवल माता रोहिणी।
इसलिए यहाँ पर बताए रोहिणी च महाभागा, माता जो रोहिणी है वो बड़ी भाग्यवती है। इसलिए सारे ब्रजवासी सबके सब कीर्तन कर रहे और गा रहे हैं। अभी हमारे प्रभु जी आपको एक सुंदर भजन सुनाएंगे, कैसे सारे ब्रजवासी गोकुल में कैसे कृष्ण की जन्म उत्सव में कैसे नाच रही गा रही, और जो नाच सके खड़े होकर नाचना। देखो मैं अभी कुछ कर ही दूंगा, लेकिन आज एकादशी है, लेकिन कोई खाना नहीं, कुछ बिस्कुट भी दूंगा, लेकिन आज इसको कोई से प्यार बने बल दे जो और रस खीर सिरोई निरूप रसाला इनंद महीप बने नमकीन किनंद महीप बने नमकीन गोकुल गोप सब गरम मसाला अरे जायो यशोदा जल भी सिरा नीन रमणी सिरा Yeah.
कोई सांस के साथ में, कोई नर्स के साथ में, कोई पैसा के साथ में, कोई बहू के साथ में, हम क्यों नहीं नाच रहे? क्योंकि भगवान की कीर्तन में नहीं नाच रहे। अगर भगवान के सामने एक बार नाचो ना, फिर कहीं भी तुम्हें नाचने का जरूरत नहीं, तो नहीं तो हमें 84 लाख जोड़ में नाचना पड़ जाएगा। Oh,
सजे जो मेरा था सजे उसका जीवन सजे
इसलिए गिरिराज का एक नाम है सर्व अभिष्ट प्रदाता। मतलब क्या है, इसलिए गुरुदेव कहते थे जो व्यक्ति गिरिराज की परिक्रमा करते हैं ना, ठाकुर जी उसको पीछे 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 घूमते हैं। ये इतना कष्ट करे तो मेरी परिक्रमा लगा रहे, क्या मांगेगा? जो मांगते हैं गिरिराज उसको वही दे देते हैं। गिरिराज कौन कौन गए हो, हाथ उठाओ तो। आप लोग गए, अब देखना गुरुदेव कहते थे, देखना को गिरिराज शिला के ऊपर में शिला रखा हुआ, जानते हो शिला के ऊपर शिला क्यों रखे? जिसको जितने मंजिली मकान चाहिए वो जितने शिला के ऊपर में शिला रख देना, ठाकुर जी उतना मंजिली मकान दे रहे थे। देखना पेड़ में पेड़ बंधे हुए, उसमें धागा बंधे हुए देख लो। बोले क्यों? बोले जिनकी बेटा बेटी की शादी नहीं हो रही है, किसकी बिजनेस नहीं चल रहा है, घर में कोई दुख कष्ट है, कभी गिरिराज को जो मांगो गिरिराज जी वही दे देते हैं। गिरिराज जी इसलिए विशेष करके कलयुग में अगर कोई प्रकट देवता हो तो ये साक्षात श्री गिरिराज गोवर्धन है। ये गिरिराज गोवर्धन, इसलिए गिरिराज की बड़ी महिमा। इसलिए गुरुदेव कहते थे ये संसार का जो दुनियादारी वस्तु स्त्री पुत्र परिवार धन दौलत इसको तो आसानी से देते थे, मानते ही देते थे, लेकिन एक चीज जो मांगोगे ना, गिरिराज सोचने लग जाते हैं इसको ध्रुव की नहीं, जानते हो वो कौन सा चीज है? कहते जब उनकी भक्ति उनकी सेवा मांगोगे ना, फिर गिरिराज सोचते हैं। बोले क्यों? बोले धन दौलत दे करते उनको छुटकारा मिल जाती है, लेकिन जब भक्ति देते हैं ना फिर तो भगवान को बंधना पड़ता है। इसलिए भगवान देते तो है लेकिन सोच विचार करके श्री गिरिराज देते हैं। इसलिए कल हम लोग यहाँ पर श्री गिरिराज की कथा सुनेंगे और गिरिराज की पूजा करवाएंगे। इसलिए आप लोग अपना घर से कुछ ना कुछ बना कर लाना, कोई फल हो, कोई मिठाई हो, नहीं तो बढ़िया कोई कड़ी चावल हो, हैं कड़ी चावल, कोई हलवा चकाचक शाही पनीर मटर पनीर, अगर जो 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 बढ़िया चीज आप बनाते हो ना, जो सबसे जो बढ़िया चीज बनाते हो, वो चीज को बना करके लाना। क्योंकि ये कृष्ण स्वयं बताए अगर गिरिराज की सेवा में एक अन्न की दाना केवल जो गिरिराज को भोग में लगा दे, कहते किसी जीवन में बोले एक जन्म नहीं बोले किसी जीवन में घर में कभी अन्न वस्त्र की अभाव नहीं होगी, माँ अन्नपूर्ण लक्ष्मी घर में भरपूर रहे। इसलिए आप गिरिराज में जाकर देखना बारह महीना वहां पर अन्नपूर्ण चलती रहती, बारह महीना। इसलिए कल खाली हाथ से कोई नहीं आना, और सबके सब लेकर के आना, फिर वो चीज आपको ही मिलेगा प्रसाद के बाद में, आपको ही वो सारी चीज आपको ही मिलेगी। इसलिए अभी श्री राधा रानी की तरह कथा सुना देते हैं, अभी श्री तीर्थ महाराज जी बोलेंगे। छोटे राधा रानी को बनाया ना, ठीक है देखो। हाँ हाँ देखो, महाराज कह रहे घी देखो मूंगफली का तेल, क्योंकि हमारी अभी ये पुरुषोत्तम महीना में व्रत चल रही है, हम और किसी तेल से नहीं खाते, मूंगफली हो नहीं तो घी हो, केवल ये दो से, और बैगन नहीं, घिया नहीं, परवल नहीं, ये सब चीज को नहीं लाना, और जितना टमाटर नहीं, और जितने सारे चीजों को आप बना करके ला कर आना, ठीक है? हाँ देखो, बोले श्रीमती राधा रानी की। हाँ देखो, यदि जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, अगर आप डायरेक्ट ये भागवत ग्रंथ पढ़ोगे ना, आपको कहीं भी से राधा जी का नाम सुनने को नहीं मिलता। इसलिए कुछ लोग हम लोगों को प्रश्न करते हैं, आप वृंदावन में जाओ किसके नाम लेते हैं सबके साथ? जोर से बोलो ना। इसलिए कुछ प्रश्न करते तुम बड़े राधे 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 बोलते हो, लेकिन ये भागवत ग्रंथ सारे शास्त्र का निचोड़ है, पर ये भागवत में राधा जी का नाम क्यों नहीं दी गई? इसमें तो देनी चाहिए ना। लेकिन हमारी गौड़ीय वैष्णव कहते हैं भैया ये भागवत में राधा जी के नाम के अलावा कुछ है ही नहीं, इसमें तो केवल राधा ही राधा ही है। इसलिए पहले सुन रहे थे ना, ये ग्रंथ का नाम क्या है? केवल भागवत नहीं बोले श्रीमद् भागवतम, मतलब ये भागवत नहीं, ये श्रीमद्, श्री मतलब शोभा सौंदर्य माँ लक्ष्मी, मूल लक्ष्मी को नहीं श्री किशोर जी राधा रानी। इसलिए राधा जी की प्रेम वैचित्रता है ये भागवत है, राधा जी की प्रेम वैचित्र, हम कथा नहीं सुन रहे हैं, राधा रानी कृष्ण प्रेम में दीवानी बन करके जो प्रेम को लुटा रहे हैं, हम लूट रहे हैं प्रेम को, प्रश्न है फिर राधा जी का नाम फिर क्यों नहीं दी गई? तो टीकाकारों ने बड़ी रहस्य बात बताया, अभी ध्यान देकर सुनो, कल सबको एक एक करके पूछूंगा।
क्यों राधा जी का नाम दी? पहला कारण बताए श्री भर स्वामी सबसे पहले टीकाकार हुए। वो कहते हैं मतलब जब श्री सुखदेव गोस्वामी राधा जी का एक बार नाम लेते थे बोले सड़ो मारसी की मूर्छा भगे, वो छह महीना तक तो बेहोश हो जाते थे। बोले मेरे पास में सात दिन में कथा सुना की अगर हम छह महीना बेहोश हो गए राधा जी का नाम पे फिर राधा जी की कथा कैसे सुनाओ? इसलिए ये पहला कारण है। दूसरा कारण बताए श्री सुखदेव गोस्वामी कौन है? बोले प्रिया सुख श्री वृषभानुजाया पवित्र चंचो प्रिय चुंबनेना। बोले ये सुख कौन है? बोले ये राधा जी की ये प्रिय सुख है जिसको राधा रानी हाथ में बैठा करके अनार के दाना खिलाया करती थी, उसको कृष्ण नाम पढ़ाया करती थी, ये राधा जी की प्रिय सुख है। राधा रानी जिसको चुंबन करती थी राधा रानी, इसलिए ये तोता कोई साधारण नहीं। इसलिए इन्होंने श्री राधा जी को प्रश्न की है राधे आपका नाम को भागवत ग्रंथ में किस रूप में लूं? राधा रानी डायरेक्ट मना करती बोले मेरे नाम को कहीं डायरेक्ट नहीं लेना, लेना तो कहीं छुपा करके मेरे नाम को लिया करना, मेरे नाम को नहीं लेना। इसलिए भागवत में हमारे जो टीकाकार है उन्होंने सब जगह पर राधा राधा दिखाया। भागवत का पहला श्लोक है जन्मादस्य जतः, पहले सुन रहे थे ना, जिनसे ये आदि श्रृंगार रस प्रकट हुई, सत्यम परम धीमहि, परम सत्य भगवान की जो पराशक्ति राधा जी को हम प्रणाम करते हैं। ये कहते रासलीला का पहले कहते भगवान अपि तरागिरि शरद उत्फुल्ल मल्लिका भिक्षरन्तु मनश्चक्र जोग माया उपासित। ये रासलीला किसकी आश्रय करके कर रहे हैं? श्री राधा रानी। इसलिए आप कभी रासलीला देखना राधा रानी बैठे सब सखियां कृष्ण है लेकिन रास प्रारंभ नहीं हो रही है, जाकर के कृष्ण स्वयं राधा जी को कहते हैं कि सरयो ये रास प्रारंभ है गयो है, आप कृपा करके रास में पधारो। क्यों? राधा रानी रासेश्वरी, इनके बगैर रास असंभव है। इसलिए जब रास हो रही थी कृष्ण भी थे गोपियां भी थी लेकिन जब राधा रानी चली जाती रास ठप हो गया, रास बंद हो गया। इसलिए जब गोपी गीत का जो पहला श्लोक है बोले जयति तिथि कल जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्र, इंदिरा शब्द राधा जी की नाम ले रहे हैं। जब से श्याम सुंदर आए तब से रमा क्रीड़न अभूत नृप, ये वृंदावन राधा रानी की क्रीड़ा भूमि बन गई। सर्वत्र राधा को छोड़कर कुछ है ही नहीं, केवल भागवत में राधा ही राधा है। लेकिन प्रश्न है क्यों नहीं दिख रहा? उदाहरण दिया, आप लोगों ने मेहंदी पत्ते देखे हो? कौन कौन मेहंदी पत्ते देखे हो? आप बताओ तो मेहंदी पत्ते का रंग कैसे? बोलो कैसे रहे? क्या वो हरा है? फिर क्या है? फिर हरा हरा दिखती है ना? क्या उसी तरह ऊपर से भागवत गद्य को हरा हरा कृष्ण कृष्ण दिखती है लेकिन अंदर में देखो ना लाल 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 राधे राधे। बोले हरा पत्ता उसको घीसो पीसो फिर को भी हरा हरा दिखेगा, जब हाथ में मेहंदी लगाते हो फिर कौन सा रंग हो जाता है? लाल हो जाती है। उसी तरह कहते भैया इसको पीसो बोले साथ में करो फिर देखोगे राधा के छोड़कर कुछ है ही नहीं है। उसका चौथा कारण बताया कहते कृष्ण का जो भक्ति है एक बहता हुआ नदी जैसे, जैसे बहती हुई नदी का पानी सब पी सकते इंसान जानवर सब पी सकते हैं लेकिन अगर कुएं में कोई पानी होना सब नहीं पी सकते। कौन पी सकते हैं? जिसको पास में रस्सी कोई पात्र हो वही पी सकते, मतलब कृष्ण भक्ति सब कर सकते हैं लेकिन राधा जी की भक्ति इतने आसानी भक्ति नहीं। जब तक की कोई रस्सी की परंपरा से नहीं आओगे भैया राधा जी की भक्ति नहीं मिलेगी, कृष्ण भी तब तक नहीं मिलेंगे। इसलिए हमारे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं बोले अनाराध्य राधा पदम भोज रेणु अनाश्रित वृंदावन तद अटबिन असंभास तद भाव गंभीर चितान कुतः श्याम सिंधु रस श्यावगा। बोले भैया कृष्ण कृष्ण बोलने से कृष्ण ही मिलेंगे? बोले कृष्ण भक्ति को पाना तो तीन चीज को पहला अपना भर कृष्ण मिलेंगे। बोले भैया तो तीन चीज क्या? ध्यान देकर सुनो। पहला नंबर है अनाराध्य राधा पदाम भोजरे, जब तक श्री किशोर जी के चरण की धूल का आश्रय नहीं करोगे। दूसरी चीज राधा रानी को द्वारा अंकित
श्री वृंदावन धाम को जब आश्रय नहीं करोगे, सबसे बड़ी चीज है राधा जी की भक्ति रसों में जो डूबे हुए संत हैं, जब तक उनकी चरण को आश्रय नहीं करोगे। बोले भैया कुतः श्याम सिंधु रस श्याम बोला, कहां कृष्ण प्रेम रस समुद्र में कहां तुम डुबकी लगा सकते हो। ये तीन चीज हो फिर जाकर के राधा रानी मिलेगी। इसलिए वृंदावन में जाओ तो किसका नाम लेते हैं, किसका नाम लेते हैं, सबके सब श्री राधा जी का नाम लेते हैं। इसलिए हमें किसी रसी की परंपरा में जुड़ना पड़ेगा। अगर ऐसे जगह पर मंत्र लिए जो भगवान के निराकार ब्रह्म कहते हैं, जहाँ पर राधा जी का कोई नाम गंध नहीं भगवान को, फिर वहां पर लोग कहा राधा जी की भक्ति मिल ही नहीं सकती, स्वप्न में कभी सोच भी नहीं सकता हूँ। इसलिए हमें कोई रसी की परंपरा से हमें जुड़नी चाहिए, तभी राधा जी की भक्ति मिलेगी। इसलिए हमारे श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं, बोले ब्रह्मी स्वराज सुदुरूह पदार विंदम। बोले राधा जी की चरण कैसे है, बोले भैया आप हमारी बात छोड़ दो, बोले जिनकी चरण को ब्रह्मा तक भी प्राप्त नहीं कर पाए, वो बरसाना में पत्थर बन करके वो 60,000 साल तपस्या किए। बोले भैया ब्रह्मा की बात छोड़ दो, शंकर भी नहीं कर पा। इसलिए हम कल सुने के रास में शंकर कैसे गोपी बन करके आते, उनको भी निकाल देते वहां से। कहते इनकी बात छोड़ दो है, इनकी बात छोड़ दो, नारदा जी बड़े बड़े ऋषि भी जिनकी नहीं पा। बोले भैया इनकी बात छोड़ दो, जब राधा रानी कभी मानी में बनकर गुंजन में बैठ जाती है ना, राधा रानी कहती भैया आज मैं किसी काले व्यक्ति को दिखना नहीं चाहता हूँ, किसी काले व्यक्ति को अंदर में कुछ देना दुश्मन नहीं देना। इसलिए कृष्ण भी कभी कभी राधा जी की चरण कृष्ण के लिए भी दुर्लभ हो जाता है, कृष्ण के लिए भी दुर्लभ हो जाता है राधा जी की चरण। इसलिए वृंदावन में उसका नाम सेवा कुंज, सेवा कुंज क्यों, रसधान कहते हैं। वेद में ढूंढ पुराण न गायन, वो ब्रह्म को मैंने वेद में ढूंढा पुराण में ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिले। बोले मिले कहाँ पर, बोले वृंदावन में जब गए श्री सेवा कुंज में मिले। बोले क्या कहते हुए, बोले बैठ पैलट राधिका पाए, राधा जी की चरण को दबा दे मिले। इसलिए बोले किरण तो सुता के पग पग में प्रयाग जहाँ, केशव के कली कुंज कोटि कोटि काशी है, गोपिनी के द्वार कहे बसत है हरिद्वार, बद्री केदारनाथ बसत दास दासी है, स्वर्ग अपवर्ग हम ले करेंगे करेंगे किया, जानते नहीं है किया हम श्री, हम श्री वृंदावन वासी है। इसलिए राधा जी की चरण है ना, वो साधारण वस्तु नहीं राधा जी की चरण है। इसलिए भागवत में राधा ही राधा है और कुछ है ही नहीं राधा रानी की। बल्कि राधा रानी कैसे जन्म लेती है, इनके हमारे सब रूप गोस्वामी बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं। कहते जो हिमालय का बेटी कहती है पार्वती, और पार्वती का पति कौन है, कौन है, शिव जी। इसलिए शिव जी का संबंध क्या लगता है, शिव हिमालय पर्वत से उनको दामाद लगता है, जिसका दामाद जोगी जोगी महाजोगी हो। ये हिमालय पर्वत सब जगह में टीका हाँकते, बोले भैया मेरे दामाद साधारण नहीं, देव देव महादेव जोगी जोगी महाजोगी सब जगह में टीका हाँकते हैं। अब एक विंध्यालय चल पर्वत था, बोले भैया सब जगह में टीका हाँकता है। उन्होंने ब्रह्मा जी की आराधना की, ब्रह्मा जब संतुष्ट हुए बोले बता क्या चाहते हो, बोले मेरे को एक बेटी चाहिए, वो ऐसे बेटी हो जिसका पति का सेवक शंकर जी, उनका आराध्य है शंकर जी के सेवक हो। बोले भैया शंकर के सेवक भगवान कन्हैया का है, इसलिए अगर राधा जी अगर इनके बेटी होगी तभी तो ये काम बनेगा, तब आशीर्वाद दिए। इसलिए इतने में इसकी बड़ी लंबी चौड़ी कथा दी है, इतने में इसकी बड़ी लंबी चौड़ी कथा है। इसलिए अभी विंध्या चलकर बेटी बन करके राधा रानी और चंद्रावली आए, और इधर क्या हुआ, जिस समय कंस ने वो जो देवी को लाए थे गोकुल से, जब उन्हें पछाड़ने के लिए गया, इतने में उसने आकाश में उड़ गई, अष्टभुजा को धारण करते हुए बोले रे मूढ़ कंस तू मुझे क्या मारोगे, तेरे को मारने वाला तो अन्यत्र जन्म ले चुका है। बोले भैया ये तो मेरी देवी है, ये मेरी आराध्या, ये कभी झूठ नहीं बोल सकती। उतना को बोलिए काम कर, अगर जितने बेटा मिलेगा तो सबको मार डालना, अगर कोई बेटी मिले ना उसको मारना नहीं, उसको ले आना मैं शादी करूंगा। बोले क्यों, बोले ये देवी ने बताया वो जो उनकी जो शक्ति भी कहीं जन्म हो गई है, वो अकेले कृष्ण जन्म नहीं, उनको शक्ति जन्म हुई, उनकी जो शक्ति जन्म हुई मेरे से भी ज्यादा सुंदर है।
उनको साथ में जो शादी करेगा विश्व ब्रह्मांड का वो मालिक बनेगा, अजर अमरत्व की प्राप्ति करेगी। बोले बेटी को मारना नहीं, पकड़ करके लेगा मैं राधे करूंगा। इतने में कुंदन आने जा देखना चंद्रावली और राधा रानी को पकड़ कर उसने आकाश में उड़ गई। जब विंध्याचल को पता चला उन्होंने अपना पुरोहित को बोल करके उच्चारण मंत्र को प्रयोग की तो इतने में कुंदना छटपट करते 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 उन्होंने राधा रानी को फेंक के चली जाती है। बोले रावल को पास में वृषभानंद महाराज का नित्य नियम था, रोज जाकर के यमुना में स्नान करते हैं। वहां पर देखा एक सतदल कमल फूल पर भी बड़ी सुंदरी एक किशोरी किलकारी मारते हुए और तेज के आभास चतुर्थ को उद्भासित हो रहा था, वो बहते बहते लेते जा रहे हैं। इतने में श्री वृषभानंद महाराज गए और उनने वो बेटी को उन्होंने उठा लिया। बोले श्रीमती राधा रानी की, और जोर से जय कर, बोले श्रीमती राधा रानी की। उन्होंने लेकर के श्री कृतिका सुंदर की थी। नारद जी ने देखा कृष्ण तो गोकुल में आए, अकेले कभी नहीं आए, जरूर उनको पूर्ण उनको लादिनी स्वरूप शक्ति नहीं आई। उन्होंने भ्रमण करते करते जब आए रावल में, पूछे कोई संता नहीं, उन्होंने भैया को देखा, बोले कोई बेटी भाई की नहीं। तब उन्होंने राधा रानी को देखा, बोले इनको ही तो मैं ढूंढ रहा था, इनको ही तो मैं ढूंढ रहा था। फिर इतने में वो सोच रहे छोटी सी राधा जी की स्तुति करूं, लेकिन ये तो अपना बेटी मानती है, उन्होंने बहाना बनाया, जाओ कुछ फूल लेकर के आओ। जब अंदर में गए इतने में राधा रानी ईश्वरी बन गई, ललिता विशाखा सखियां प्रकट हो गई। बोले बाबा क्या देख रहे हो, स्तुति करने तो राधा रानी अंदर ध्यान हो जाएगी। इतने में श्री नारद जी बड़े सुंदर राधा जी की स्तुति करके बैठ बोले आओ। बोले मुनीन्द्र बिंद मंदिर त्रिलोक शोक हारी मणि प्रसन्न पार्थ पंकज निकुंज भूमि विलासिनी प्रजेन्द्र भानु नंदिनी प्रजेन्द्र सुनु संगति गदाधरी स्वकीय कोई सनिचर कोई व्रत नहीं है, सारे ग्रंथ लिखे किसी ने अभ्यास है।
व्यास देव सारे व्रत लिखे, लेकिन ये सारे व्रत भी व्यास देव लिखे, लेकिन उनको शांति नहीं है। लेकिन जब उन्होंने श्री भागवत ग्रंथ लिखे तभी उनको पूर्ण शांति केवल भागवत ग्रंथ से मिली। और भागवत ग्रंथ में श्री नंद यशोदा एकादश रखते थे, श्री अम्बरीश महाराज और उनका पत्नी भी रखती थी, और श्री पंचक पांडव रखते थे अपना कुंती द्रौपदी को साथ में, और श्री सत्यभामा रुक्मिणी एकादशी व्रत रखती थी, इसलिए अगले जीवन में कृष्ण का पटनारी बन करके आए। इसलिए सबके सब श्री एकादशी व्रत को आप लोग जरूर श्री एकादशी व्रत रखना। बोले श्री एकादशी की जय। हाँ देखो कुछ लोगों का कुछ भ्रम है, बोले भैया एकादशी करने पर उद्यापन करना पड़ता है। नहीं, हमारे वैष्णव जगत में कोई उद्यापना नहीं है। जब तक तुम्हारी समर्थ हो तब तक आप एकादशी व्रत रख सकते। गुरुचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अस्मदीय परमाराध्य समुपाध्यक्ष निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित पुण्यपाद से श्रीधर महाराज जी, समस्त सन्यासी वृंद, भक्त मंडली, वैष्णव वृंद सभी को मेरा प्रणाम निवेदन है। आप लोग बैठे, अभी अभी आपने राधा जी का जन्मोत्सव भी श्रवण किया। गोलोक धाम में ऋषभवान नंद ने श्री राधा जी अवस्थान करे, कृष्ण ने धरती पर जन्म लेने का विचार बनाया, तब राधा जी से कहा, राधे मैं धरती पर जाना चाहता हूं तो तुम भी मेरे साथ चलो। राधा जी बोली, मैं जाकर के क्या करूं, यहां वृंदावन नहीं है, वृंदावन नहीं है, यमुना जी गिरिराज जी नहीं है, वहां मुझे क्या करना है, मुझे भी उससे जगह कोई अच्छी नहीं लगती, मैं नहीं जाऊंगी। राधा जी बोले, नहीं, ये कृष्ण ने कहा कि राधे यदि तुम नहीं जाओ तो मेरी लीला भी नहीं होगी, मैं इस लीला को प्रकाश करना चाहता हूं, उसके लिए तुम्हें जाना जरूरी है, मैं तो तुम्हारे प्रेम रस का भाव रस का आस्वादन करता हूं, इसलिए मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। जब तभी धरती पर असुर दलन करना है ये कोई साधारण उसकी बात नहीं, ये कोई बात नहीं, परंतु तुम्हारी प्रेम लीला के द्वारा तुम्हारे भाव का आस्वादन करना चाहता हूं, इसके लिए मैं तुम्हें आग्रह करता हूं कि तुम चलो। तब ऋषभानंद जी से राधा जी आए, जैसे जैसे प्रकट हुआ है ऋषभानु महाराज शुभ भोर में ही स्नान करने को गए, उनको क्या नजर आया कि पानी के ऊपर एक दिन पर ज्योति लाई, देख करके बड़े चमत्कार थे, पानी में उतरते चले जाकर के काफी दूर में पानी के ऊपर देखा कि एक कमल के ऊपर एक छोटी सी स्वर्ण पुतली का सोने की पुतली, एक अद्भुत बालिका कंधा रत्न लेकिन, तो उनको चारों ओर देखा तब उन्होंने उठा लिया, लेकर के चल दिए, जो कुछ होगा बाद में देखा जाएगा, अब यहां देखते थे, लेकर के आए और कीर्ति देवी के गोदी में दे दिया।
बोले लो ये तुम्हारी लाली, तो तब से ब्रिशभानु लली कीर्तिदा कुमारी ब्रिशभानु नंदिनी, नाम पड़ा क्या श्री राधा। तो ये जो राधा है ये कौन है क्या है? आप बता सकते हैं आपके शरीर में कितना तत्व है? जो पंचभूती तत्व कहा जाता है, पंचभूतों में पांच भूतों का शरीर है, वो क्या चीज है? जैसे कल आप लोगों ने बताया था मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश, पांच तत्वों का हमारे शरीर है, और आत्मा जो है इससे पृथक है अलग है, फिर भी हम इस शरीर में हमारा पंचभूती शरीर। अच्छा आप कह सकते हैं भगवान कृष्ण का शरीर जो है कौन से तत्वों में बनाए? सच्चिदानंद तत्व। भगवान जो है सच्चिदानंद विग्रह, सत सत्ता चित ज्ञान और आनंद, इन तीन तत्वों से बना है कृष्ण का स्वरूप। उनका शरीर भी कोई भौतिक नहीं है हमारे जैसा पंच भौतिक, उनका स्वरूप जो है ये सच्चिदानंद स्वरूप। तो राधा जी जो है, राधा जी का स्वरूप कौन तत्वों से बना? हमारे जितने आचार्य वर्ग गुरु वर्ग बोले राधा जी कोई साधारण लड़की नहीं है, और उनमें ये कोई हार मांस चमड़े का शरीर नहीं है, रक्त खून मांस का ये शरीर क्या है? आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता, आनंद चिन्मय रस की मूर्ति है, प्रेम की मूर्ति। वो हमारे जैसे ऐसे बहुत ही शरीर लेकर के नहीं आई, उनको कोई ऐसे पांचवती शरीर बना नहीं समझे। इसकी कहा रस की मूर्ति, प्रेम की मूर्ति, आनंद की मूर्ति। बोले रसी रस, उदाहरण स्वरूप दिखाया कि एक चीनी का खिलौना बनाए, खिलौने के बाहर भीतर अंदर बाहर ऊपर नीचे क्या मिलेगा? चीनी का खिलौना तो क्या मिलेगा उसमें? चीनी ही चीनी है, पूरा चीनी से बना हुआ है। राधा जी रस की मूर्ति, प्रेम की मूर्ति है, तो उनके अंदर कोई भौतिक चीज नहीं, वो तो देखने में प्रकृति गलाम, देखने में हमारी जैसी एक लड़की है, एक बच्ची है, बारह चौदह साल की लड़की मिले, परंतु वो किशोरी जो है ऐसे बहुत शरीर में नहीं, भाव की मूर्ति है, प्रेम। इसलिए भागवत में दिखाया कि उनको इस रूप में रक्त मांस के शरीर में नहीं देखे, भाव की मूर्ति भाव के नजर में देखे, प्रेम के नजर में देखे। और कृष्ण ने उस प्रेम का भाव का आस्वादन किया, अतः राधा जी कोई साधारण चीज नहीं है, और साधारण कोई लड़की नहीं है, योगी कोई इंजॉय करे और इंजॉय की वस्तु भी नहीं। तो भाव की प्रेम की मूर्ति राधा है, इसलिए राधा जी का ये स्वरूप बढ़ता। जैसे बोलो धाम में कृष्ण ने जब राधा जी को प्रकट किया, राधा जी ने देखा कृष्ण की सेवा के लिए हमें कुछ करना है, तब उन्होंने अपने हृदय से वृंदावन को प्रकट किया। राधा जी ने अपने शरीर के एक एक अंग से उन्होंने मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन, मानवन, भद्रवन, खदिरवन, कामवन, खेलवन, तो इन सभी वन उपवन को उन्होंने प्रकट किया। भगवान कृष्ण यहाँ पर वे लीला विलास किया, उनके खेलने की भूमि बना दी, और साथ ही साथ अपने हृदय के जो भाव है उस भाव को एक एक कलिका के रूप में प्रकट किया, जो कि ललिता, विशाखा, चित्रा, चंपकलता, इंदुलेखा, सुदेवी, रघु देवी, तुंगभद्रा, रूप मंजरी, रति मंजरी, आनंद मंजरी आदि जो मंजरी वर्ग है,
सखी और मंजरी के रूप में राधा जी ने अपने स्वरूप को प्रकाश कर दिया। उनके हृदय में 360 प्रकार के भाव हैं। उन भावों को एक-एक कली एक-एक सखी के रूप में प्रकाश किया। इसलिए बोले कि बहु कांता बिना नहीं रचे उल्लास। बोले कि कोई विवाह करता है तो एक पत्नी है, अच्छा 2000 पत्नी मान ले, पर कृष्ण ने कितना विवाह किया? और कृष्ण ने ब्रज में रास रचाया, गोपियां कितनी थी? 100 करोड़ ब्रज गोपियों का वर्णन। तो इतनी गोपियों के साथ में भगवान ने रास रचाया, क्या जरूरत थी? अरे 1-2-4 लड़कियों से प्रेम करते तो इतने लोगों से क्या जरूरत। तो राधा जी को भी अच्छा लगा क्या कि सब गोपियां मिल करके नाचे? राधा जी रूठती नहीं, रूठती भी थी, परंतु ऐसा नहीं जैसे भौतिक जगत में होता है। वहां क्या सभी मिलकर के हमें कृष्ण की सेवा करनी है, सब प्रकार की परिपाटी कृष्ण को मिलना चाहिए, उससे भी तृप्ति लाभ करें, आनंद अनुभव करें। जो रस का जो विलास है चमत्कार है, भावों की चमत्कारिता उसको प्रकाश करते हुए कि सब प्रकार से कृष्ण की सेवा हो और कृष्ण आनंदित हो, इस प्रकार ब्रज गोपियां सब मिलकर के कृष्ण की सेवा करती है। वहां रूठने झगड़ने की बात नहीं है, वहां कोई अपना स्वार्थपन नहीं है, कोई पति पत्नी का भाव भी नहीं है। इसलिए ब्रज का जो प्रेम है परकिया प्रेम दिखा, जो सर्वोन्नत प्रेम भाव की चरम सेवा, जिस भाव को कृष्ण ने आस्वादन किया है, इसलिए ये ब्रजभूमि है। और जिस ब्रजभूमि में कृष्ण ने लीलाएं की, कृष्ण को और कोई काम नहीं मिला, स्वयं भगवान पर अर्पण तो हो करके गाय के चरवाहे बने और ग्वाले बन करके घूमते रहे, अरे ये कोई अच्छी बात है क्या? बोले जुहचो पर ब्रह्म गोपाल, वेद में बता रहे हैं पर ब्रह्म गोपाल। बोले गोपाल क्या जरा का काम है उनका, गांव के बीजे बीजे तो ना? बोले ये नहीं। बोले ये गाय कौन है? गाय कोई साधारण गाय नहीं है, भगवान कृष्ण जो है जो परात्पर तत्व है साधारण गाय को चराने के लिए। ये गाय कौन है? बोले कि एक ही ब्रह्मांड अनंत करोड़ ब्रह्मांड भगवान के रूप में शरीर के अंदर है, और कृष्ण ने उन ब्रह्मांड पिंड को एक ब्रह्मांड पिंड को ऐसे ऐसे करके असंख्य ब्रह्मांड पिंड को प्रकट किया, वे सभी गाय का रूप धारण किया। कृष्ण जन्म से पहले जो प्रसंग आपने सुना उसमें पृथ्वी गौरूप भूत्वा पृथ्वी देवी गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास में गई। ये जितने भी ब्रह्मांड है सभी गाय के रूप में, इसलिए कृष्ण क्या करते हैं उन गायों को चराते हैं, अर्थात अखिल ब्रह्मांड नायक अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड के जो नायक है हीरो है सबका पालन करते हैं, सबकी रक्षा करते हैं। और देख रहे हैं कि ब्रज में गाय के रूप में कृष्ण भी गाय का दूध पी रहे हैं, मक्खन चुरा रहे हैं और घर घर में घूम रहे हैं, गायों का पालन करते हैं। गोपाल है गवेंद्र गायों के राजा, बोले गायों के राजा ने देवताओं के राजा को परास्त कर दिया, उनके अहंकार रूपी गर्व को खर्व कर दिया, कि इंद्र के गर्व को चूर्ण करके उन्होंने गिरिराज की महिमा स्थापना कर दी। तो ऐसे जो है भगवान श्री कृष्ण जो गायों का पालन करते हैं, वे गाय भी असंख्य ब्रह्मांड के रूप में
इसलिए इन सब का पालन करना उनका उत्तरदायित्व है, इसलिए वे गोपाल बने हैं। और फिर गायों के पीछे घूमते हुए वन वन में घूम रहे हैं, लीला विहार कर रहे हैं। और राधा जी जो है प्रेम की मूर्ति, भाव की मूर्ति। अब आपने सुना नारद जी आए, स्तुति प्रार्थना की और राधा जी ने नेत्र भी खोला। कैसे खोला? बहुत दिन तक तो खोले भी नहीं। जब यशोदा मैया कृष्ण के 3 महीना होने के बाद में बोले मैं कहीं गई नहीं, पहली बार अपने बांधवी के घर जाना। तब उन्होंने गोपाल को गोद में लेकर के मैया यशोदा सबसे पहले पहले वृषभानु महाराज और कीर्तिदा देवी से मिलने के लिए गई। जब उनसे मिलने के लिए अंदर गई, जाकर के देखा बिस्तरा पर एक छोटी सी बच्ची लेटी हुई है। यशोदा मैया ने अपने गोपाल को उठा करके वहीं पर बिस्तरा में रख दिया, सुला करके और मैया चली अंदर कीर्तिदा देवी से मिलने को। देखते ही गले गले मिल करके बड़े आनंद अनुभव किया, बड़ी खुशी है कि यशोदा मैया को भी लाला हुआ है और इधर कीर्तिदा देवी को भी एक लाली हुई है। ये देख करके बड़े आनंदित, बड़े खुशी। पर उधर क्या होता है, जैसे दोनों बैठ करके बातचीत करने लगे, नजर तो बच्चों पर है, पर तो बच्चे क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बाल गोपाल तो सोए हुए पास फेर करके राधा जी के ऊपर और उनके छाती पर ऐसे हाथ से मारने लगे और उनका छोटा छोटा नाखून राधा जी के शरीर में लगा। लगते ही राधा जी ने तब नेत्र खोला, नेत्र खोल करके कृष्ण को देखने लगे। तो देखते ही कीर्तिदा देवी बड़ी आनंदित हुई और दौड़ करके गई, देखा कि सचमुच इतने दिन की जो चिंता बनी हुई थी वो चिंता समाप्त तो हो गई। जो अब तक ये छोटी सी लाली आंखें नहीं खोल रही थी, इसके लिए बड़ी समस्या थी, परंतु सारी समस्या का निदान हो गया। अब दौड़ करके गई, वृषभानु महाराज के हाथ पकड़ करके खींच के लाई, बोली चलो देखना है, देखने के लिए आए। जब वृषभानु महाराज ने देखा कि लाली का नेत्र उत्सव हो गया, राधा रानी की, तो इस तरह से राधा जी का नेत्र खुला और दोनों ही बड़े आनंदित हैं और दोनों किलकारी मार करके हंस रहे हैं, बच्चे दोनों और बड़े आनंदित। यह देख करके वृषभानु महाराज बोले कि जरूर इन दोनों का पूर्व जन्मों का संबंध है और इस संबंध के कारण इस समय दोनों एक साथ होने पर तब इनका नेत्र खोला है। अब से मैं कभी भी इन दोनों के नाचने गाने में, खेलने कूदने में किसी भी प्रकार का कोई मैं अड़चन नहीं डालूंगा और बड़े आनंदित होकर के एक साथ खेल कूद करें। इसलिए वृषभानु महाराज ने तब तो बड़ा आनंद उत्सव मनाया, उसके साथ बच्ची को 1 वर्ष होते ही न होते ही गोकुल में भेज दिया और वहीं ब्रज गोकुल में जहाँ की कोई माता जी उनकी सेवा करती रही लाली की, राधा जी की, और वे क्या करती, रोज दिन नंद भवन में राधा जी को लेकर के जाती। तब से राधा जी कृष्ण के साथ में कभी भी उनका संग नहीं छोड़ा, हमेशा साथ में रहती, साथ में घूमती। जब पैर पर खड़े होकर के चलने लगे बच्ची, घर घर में मक्खन चुराने की बारी आई, लोगों ने बुलाया लुभाया, बोले चलो घर में जाना है, जा करके मक्खन खाने का तो नाम नहीं, मक्खन लूट करके लुटाते हैं और सबको बिखरते हैं और थोड़ा सा खाते हैं बंदरों को, कौओं को खिलाते हैं। तो ऐसे होता रहा है, परंतु राधा जी कृष्ण के साथ में हमेशा बनी हुई जैसी परछाई होती है, कभी भी उनका संग नहीं छोड़ा, साथ नहीं छोड़ा। घरों में, घर घर में मक्खन चुराने के कारण कितनी शिकायतें आई, यशोदा मैया का सुन सुन करके कान भर जाता, हमारा लाला
हमारे घर में, और ये लोग बोलता है कि उनके घर में मक्खन चोरी हो रहा है, मक्खन लूट रहा है। हमारा लड़का खब जाता है, कैसे जाता है, कुछ भी उनके समझ में नहीं आ रहा है। और इसी कारण उन्होंने कार्तिक के महीना में दीपावली के दिन स्वयं मक्खन निकालना शुरू किया। यदि मंथन किया मक्खन निकालेंगे कि इंद्र में दही का बर्तन भी फूट गया। गोपाल ने तोड़ दिया बर्तन और मक्खन चुराने के बाद अपने घर में मक्खन लुटाने लगे, बंदरन को वो खिलाने लगे, जिसमें यशोदा मैया को बड़ा शौक हुआ कि क्या हुआ, बर्तन कैसे टूटा। देखा कि नीचे से फोड़ दिया है, जिसमें लोड़ा से मार दिया वह फूट गया, सारा दही बाहर फैल गया। इसी कारण यशोदा मैया बड़ी नाराज हुई, बोले रोज दिन जो शिकायतें मिलती है दूसरों के घर में जाकर के मक्खन चुराता है और मक्खन चोरी की शिकायतें सुननी पड़ती है, आज अपने घर में मक्खन चुराते हुए और दही का बर्तन तोड़ते हुए पकड़ा गया। उस चोर को पकड़ने के लिए यशोदा मैया डंडा लेकर के आई, पतला सा एक छड़िया पीछे लेकर के जैसे आई और दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। इतने में कृष्ण ने देखा कि मैया आ गई तो एकदम घबरा करके उस समय यशोदा ये कृष्ण बाल गोपाल कूद गए और बाहर भागने लगे, दौड़ने लगे। माता जी बोली अच्छा तुम कितना दौड़ोगे हम देखते हैं, हम पकड़ करके ही छोड़ेंगे। जिस परब्रह्म बाल गोपाल जिसको पकड़ने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता दौड़े, कोई आज तक उनको पकड़ नहीं पाए, न जानतर न बहिर जस, जिनका अंदर भी नहीं बाहर भी नहीं, जो सर्वव्यापी। आज भी बाल गोपाल छोटे बालक बन करके दौड़ रहे हैं और यशोदा मैया दौड़ रही है, आज तुम्हें पकड़ के छोड़ूंगी, कहां दौड़ते हो देखे, चाहे कितना ही दूर जाए आज पकड़ करके ही रहना है। यशोदा मैया पकड़ नहीं पा रही है, हमारे शरीर में फूल भी गिरता जा रहा है, मैया दौड़ रही है, बोले मैया तुम दौड़ो 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 पकड़ो, आज पकड़ना है। काल देवन जिनको पकड़ नहीं पाए, कंस जरासंध जिनको पकड़ नहीं पाए, आज मैया यशोदा दौड़ रही है उनको पकड़ने। बोले क्या पकड़ा जाएगा या नहीं, जैसे ही मैया ने लठिया उठाई बोले मारो, तो डर के मारे घबरा गया कि इतने में बालक जो भी खड़ा हुआ इतने में हाथ पकड़ लिया और लठिया लेकर के दिखाने लगे मारो, बड़ा शैतान हो गया, चोरी करना सीख लिया, अभी से चोरी करता है। तो बालक कहता है बोले मैया मुझे मत मारो, मैंने चोरी नहीं की, हमारे वंश में कोई चोर नहीं है, चोर है तो तुम्हारे वंश में है। माता के वंश में एक गोप का नाम चोर था, इसलिए बोल दिया कि तुम्हारे वंश में चोर है, तुम्हारे वंश में चोर नहीं है, हमने कभी चोरी नहीं की। बोले अच्छा बर्तन किसने तोड़ा, दही का बर्तन किसने तोड़ा, बोले मैंने नहीं तोड़ा, तुम्हारे पैर की ये जो खड़ुली है जो मोटा मोटा, तो उससे वो ठोकर लग गया तो नीचे टूट गया फूट गया। बोले अच्छा तुमने नहीं तोड़ा, बोले अच्छा ठीक है। बोले ये मक्खन कौन चुराया, बोले नहीं हमने नहीं चुराया, क्या कर रहा था, बोले बंदर को भी आ गए वो खाने लग गए, तो मैंने कहा क्या करूं मैं भी खाने लग गया थोड़ा सा। अच्छा बोले रोज दिन ऐसे ही चोरी करता है और आज पकड़ा गया, तुम्हें बांध के रख तो मारा ही नहीं, बांधने के लिए हाथ पकड़ करके खींच के लिया, ला करके उसी उदूखल के साथ में बांधना शुरू किया और बांधने के लिए जितनी रस्सी निकाली सब रस्सी छोटी पड़ जाती है, दो अंगुल कम।
गांठ नहीं लग पाता है। एक एक करके रस्सियों का गांठ जोड़ती गई, जोड़ते जोड़ते परेशान, तो भी हो नहीं रहा है, अरे करें क्या। उस समय बाल गोपाल बांधना नहीं चाहता, और उधर माँ यशोदा बांध के रहेगी। ऐसे करते करते जब काफी समय निकल गया तो भी बांध नहीं पा रही है, माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ। समातु छिन्न गात्रया विश्वस्त कवरस्थ दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपया आसीत सबंध। भैया का पसीना छूट गया, मुंह लाल हो गया, इतने छोटा सा बाल पतला कमर है, गर्दनी लगा हुआ है, अब फिर भी इसको बांध नहीं पा रहे, रस्सी घुमा के लाए तो चढ़ी। ये कमी का कारण क्या है? भक्तों की कृपा, ये भगवान की कृपा। दूसरा, भक्तों की साधना। जब तक हम लोग भजन साधन नहीं करेंगे तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती। तब तक कोई व्यक्ति संसार से पार होकर भगवान के लोक नहीं जा सकता। इस बात को भली भांति समझना। इसलिए बिना भजन साधन किए हम जा नहीं पाएंगे। अपने साधन भी करना पड़ेगा और योग्यता का अर्जन होना चाहिए। हम संसार की सेवा में लगे हुए, परंतु हमें जब प्रभु की सेवा करनी है, उनकी सेवा के लिए सेवा के योग्य होना अति जरूरी है। साधने भावी में जाहर सिद्धि ते पाई वे जाहर। इसलिए साधन भजन करना है, अपनी योग्यता की पूरी होनी चाहिए। इतना हम योग्य बने कि हम उनको सेवा कर सकें, उनको कुछ खिला सकें, पिला सकें, उनके सेवा के लायक बन पाए। इसलिए हमें ऐसा बनना पड़ेगा। गुरु जी कहते हैं, ना देवो देवम अर्चये, बिना देवता हुए देवता की पूजा नहीं होती। अतएव देवता बनना अति जरूरी होता है। तो इसलिए देवता बन करके हम उनकी सेवा के लायक बन जाए, तब हम उनकी सेवा कर पाएंगे। कोई भी व्यक्ति डी ढांकते रहे, कितने भी बोलते रहे हैं, बिना योग्यता के बिना भजन साधन किए कोई काम नहीं बनता। इसलिए साधन भजन और अपनी योग्यता को अर्जन करना कमाना ये जरूरी काम है कि इतना तो लायक बने हम उनकी सेवा के लायक हो जाए। दूसरी ओर उनकी कृपा चाहिए। जब तक प्रभु की कृपा नहीं हो तब तक बांधना संभव नहीं है। भगवान भक्ति के अधीन होते हैं, भक्ति के बस होते हैं। तो कौन से भक्ति के? निष्काम निष्कपट भक्ति के द्वारा उनको बांधा जा सकता है और उनसे उपाय से नहीं। इसलिए मन से छल कपट भावनाओं को छोड़कर एकांतिक अनन्य भक्ति के द्वारा उनके चरणों में शरण ले, तब संभव है। तो इसलिए यशोदा मैया देखा, समातु छिन्न गात्रया विश्वस्त कवर सजन, जो की फूलों के माला सब कुछ गिर गए और पसीने से लाल हो गए और थक चुके हैं, गांठ नहीं बांध पा रही है। तब भगवान ने प्रसन्न होकर के मनी मन विचार किया कि चलो मैं बांधना चाहिए, माँ तो बांधना चाहती है, चलो मुझे बंधन स्वीकार करना है। जो भी इच्छा की उनकी ऐश्वर्यमयी शक्ति हट गई, लीला शक्ति सामने आई। बालक जीव के तो सारी रस्सी पड़ी रही, पहली वाली रस्सी से यशोदा मैया ने कृष्ण के पीछे गांठ लगा दी, लगा करके ओखल के पीछे गांठ लगाया। तो इस प्रकार यशोदा मैया ने कृष्ण कन्हैया को बांध दिया।
वहां पर कौन थी देखने वाली? छोटी सी बालिका राधा जी। कृष्ण का उम्र उस समय कितना है? केवल 2.5 वर्ष का। राधा जी तो 15 दिन की छोटी है, तो खड़ी होकर के देख रही थी। किसी का हिम्मत नहीं पड़ रहा था वहां आकर के देखे यार कुछ करे। सब बच्चे डर के हमारे पीछे छिपे हुए हैं, कहीं जाने पर मैया भी हमें बांध देंगी, इसलिए कोई बच्चे सामने नहीं आए। और राधा जी खड़ी होकर के बड़े आराम से देख रही थी। देखते देखते उनके मन में भी स्नेह उमड़ आया कि जसोदा मैया तो कन्हैया को बांध दिया, क्यों उनको भूख लगता है मक्खन खा लेता है, इसी वजह से माँ ने बांधा। चलो आज से मैं मक्खन खिलाऊंगी, जो कुछ होगा मैं कृष्ण को खिलाती रहूंगी खिलाती रहूंगी, तब भूख नहीं लगेगा, मैया भी नहीं बांधेगी। तब से राधा जी इतने सचेत हो गई और तब से उनके अंदर स्वामी प्रेम प्रति उमड़ बढ़ा और तब से परछाई की तरह। इसलिए वेदांत में 3 रूप में दिखाया, जो कि हमने देखा श्री पूज्य पाठ सिद्धर महाराज जी के गुरु जी भक्ति स्वरूप सिद्धांति महाराज, उन्होंने वेदांत पर लिखा कि राधा जी 3 स्वरूप में है। एक मूर्तिमती बालिका के रूप में राधा है, दूसरी और मंत्र के देवता के रूप में, और कृष्ण के अंदर में पूरी शक्ति इनानी दे रखी। तो इस प्रकार क्योंकि कृष्ण की लीला के पूर्ण सहायक का राधा है, और राधा और कृष्ण की किस प्रकार लीलाएं चलती हैं ये सब आगे वर्णन होगा, इसलिए मैं आज यहीं पर तो अभी हमारे महाराज जी कुछ प्रकार की देखो, जिस समय भैया ने कन्या को बांध डाली, इतने में सामने देखा 2 वृक्ष है, ये पूर्व जन्म में ये कुबेर का 2 पुत्र थे, नल कुबेर और मुनिग्रह, ये नारद जी के अभिशाप से वो दोनों वृक्ष बने हुए। और भगवान ने बताया था कृष्ण का चरण स्पर्श से तुम्हें उद्धार होगा। अभी नारद जी की वाक्य रक्षा करने के लिए कृष्ण सखाओं को बोले ये काम करो, ये उखल को पीछे से धक्का मारो। अब कृष्ण अपना गुठर पर चलते चलते जब उन्होंने दोनों वृक्षों को बीच में होते हुए गए और उखल अभी अटक गया, और कृष्ण जब थोड़ी सी ताकत लगाई दोनों वृक्ष बड़े जोर से धड़ाम करके गिरे, और इतने जोर से आवाज हुई सारे ब्रजवासी इकट्ठे हो गए, और वो दोनों वृक्ष से नाल कुबेर मुनिग्रह प्रकट हुए, भगवान को परिक्रमा लगा करके चले गए। इतने में नंदा और जसोदा और सारे ब्रजवासी इकट्ठे हो गए। नंद बाबा ने देखा अगर थोड़ी सी कहीं इधर उधर होता तो लाला खत्म हो जाता। नंद बाबा जल्दी जल्दी आकर खोल दिए और पकेट से एक लड्डू निकाल करके दिए, बोले बताओ बांधा किसने? बोले मैया। बोले खोला किसने? बोले बाबा। बोले खूब मैया 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 करते हो, अभी बताओ किसको पास में रहोगे? बोले मैया के पास में नहीं जाऊंगा, मैया मारती है, आज से तो मैं बाबा को पास में रहा करूंगा। इतने में मैया जसोदा आ गई। नंद बाबा तो बड़ी जोर से डांट लगाए, अरे एक दो मटकी तो फोड़ा होगा और तो कोई बात नहीं, और इतने बड़े दंड उसको उखल में बांध दिए। भाग्य से नारायण की कृपा जिसे वृक्ष अगर ऐसे नहीं गिर गए, थोड़ी सी अगर इधर उधर होता लाला का तो राम नाम सत्य हो जाता। लगता है तेरे को ये मटकी में दही मक्खन में ज्यादा आसक्ति, लाला में आसक्ति नहीं, तू इसको लेकर रहा करो, मैं कृष्ण बलराम को लेकर तीर्थ जाता हूँ। इतने में तो मैया इतने दुखी हो गई, बोले मेरे हाथों में कुष्ठ व्याधि क्यों नहीं हो गया, आज मैं इन्हीं हाथों से लाला को बांध कैसे दिया। इतने में नंद बाबा कृष्ण बलराम को लेकर ब्रह्मांड घाट में गए। धारसन दूध, धारसन दूध जानते हो, गैया को जब दोहन करना दूध गर्म रहता है, उन्होंने उसमें मिश्री मिला करके दोनों बच्चों को पिला दिया। अभी शाम को कृष्ण बलराम को लेकर गए, अभी घर में लड़ाई हो गई, नंद यशोदा में लड़ाई हो गई। मैया एक कोने में बैठी करके बड़े दुखी होकर बैठी हुई, मैंने लाला को बांधा कैसे,
नंद बाबा शाम का समय में आए, एक कोने में नंद बैठे हुए, दूसरे कोने में जसोदा, और कृष्ण बलराम बैठे हुए नंद बाबा की गोद में। लड़ाई हो गई, लड़ाई को मीमांसा कौन करेगा? कोई अगर तीसरा व्यक्ति हो, बोले तीसरा व्यक्ति कौन बल रोएगा? बलदेव प्रभु का माँ, उन्होंने देखा अगर कृष्ण को नंद जी की गोद से उठा करके अगर मैया की गोद में छोड़ दे तो लड़ाई खत्म हो जाएगी। बोले ताऊ ये काम कर। बोले क्या? बोले कन्हैया को उठा करके पिता की गोद से मैया की गोद में छोड़ दे, फिर लड़ाई जल्दी खत्म हो जाएगी। इतने में ताऊ भैया बोले कन्हैया चल माँ के पास में चल। जब ऐसे हाथ पकड़े ना, ताऊ भैया तो बड़े क्रोध में थे, कृष्ण उनने ऐसे के झटका मारे, कृष्ण तो धड़ाम करके गिर गए। इतने में भैया रोहिणी बोले लाला कन्हैया तुम मैया के पास में नहीं जाओ? बोले नहीं, मैया मेरे को मारती है, बाबा मेरे को बड़े प्यार करते, बोले बाबा के पास में रहा करूंगा। मैया बोली ये बताओ दूध कहाँ से पियोगे? दूध तो पिताजी के पास में नहीं, दूध तो माँ के पास में मिलेगी, दूध कहाँ से पियोगे? बोले मैया धारस न दूध में मिश्री मिला करके पिला देंगे। बोले सोगे कहाँ पर? क्योंकि कृष्ण जब तक मैया की गोद में नहीं सोते थे ना, कन्हैया को नींद नहीं आती। बोले सोगे किस कहाँ पर? बोले बाबा की गोद में सो जाओ। बोले खेलोगे किसके साथ? बोले दाऊ भैया के साथ में। बोले मेरे मैया के पास में नहीं जाओ? बोले नहीं, मैया के पास में नहीं जाऊंगा। रोहिणी बोली अगर मैया के पास में नहीं जाओगे, अगर मैया कैसे होगी? तो मैया ऐसे होगी, मतलब अगर मैया मर गई तो फिर क्या होगी? जब उन्होंने सुना अगर मैं मैया की गोद में नहीं जाऊं, मैया मेरी विरह में मर जाएगी, फिर तो कन्या को रहा नहीं गया, फिर पिताजी की गोद से खड़े होकर के मैया 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 करते करते सीधे मैया की गोद में लेट गए। जब लेट गए वहां पर जितने भक्त थे ये लीला को देख करके ना सबके सब रो पड़े। इसलिए श्री सत्य व्रत ऋषि कहते हैं इति द्रीक सलीला भिरानंद गुणे शुभ सम निभजंत माख्या भयंत। ऐसे ही कृष्ण गोकुल में बड़ी प्यारी प्यारी प्रभु मीठी लीला करके सारे ब्रजवासियों को पूरा लीला में डूबा करके रखते हैं। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, के लाला की जय, जय श्री राम। अभी श्री राधा रानी की जन्म हुई, प्रभु जी ने भी बधाई गाएंगे, फिर आप लोग आरती और प्रसाद लेकर जाना, ठीक है? राधा रानी खड़ी हो जाओ, प्रभु जी बधाई। गुरु बरसाने वाली राधा रानी की जन्मोत्सव में जो नाचेगा ना, राधा रानी कौन है? सर्व लक्ष्मी भाई, फिर घर में माँ लक्ष्मी बड़ी कृपा होगी, फिर माला माला जो नाचेगी राधा जी की जन्मोत्सव पर, इसलिए सबके सब नाचना राधा जी की जन्मोत्सव। धरानी को भयो यमता बधाई बाजे रे, 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 बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, बधाई।
लगा दे दुहाई राधा राधी हमारी
I'm not going to be able to do it.
Yeah.
I'm sorry.